नमस्कार फ्रेंड्स, टेक्निकल सेफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं टेलीग्राम की। आपको कुछ बेसिक सेटिंग बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी आपको बताऊंगा। आपको बहुत सारी टेलीग्राम की सेटिंग बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आज हम मैं लेकर आया हूं। जो भी आप टेलीग्राम की सेटिंग के बारे में नहीं जानते हो तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूं कि टेलीग्राम की आपको क्या क्या सेटिंग आपको करनी पड़ती है। और जो भी न्यू टेलीग्राम पर यूजर होते हैं उनको इन बेसिक सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है कि वो बार बार यहां पर मैसेज आते रहते हैं, नोटिफिकेशन बंद नहीं होता है, स्क्रीन पर बार बार टिक 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 करके मैसेज आते रहते हैं। वो प्रॉब्लम का सलूशन है वो आज मैं बता दूंगा। साथ में आपको और भी ज्यादा अच्छी सेटिंग है आपको बताता जाऊंगा। तो टेलीग्राम पर इससे क्या है कि बार बार स्क्रीन पर मैसेज आते रहते हैं, लॉक होती है स्क्रीन तो भी वहां पर मैसेज आते रहते हैं। बार बार आप वहां पर जाते हो और मैसेज को देख पाते हो मगर मैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये बार बार मैसेज आए, इसको आप हाइड कैसे कर सकते हो जो कि आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे। अभी देखिए यहां पर मेरे कुछ ग्रुप्स हैं तो वहां पर देखिए 11 मैसेज, 1575 मैसेज आ चुके हैं, 896, 976 ऐसे मैसेज आ रहे हैं। बार बार टिक टिक की आवाज भी नहीं आती है। मैं नेट ऑन कर लेता हूं तो भी मेरे ये मैसेज है जो कि ये दिखाई नहीं देते स्क्रीन पर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आपको नंबर लगाना है, ओटीपी आएगी, वेरिफिकेशन आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो सेटिंग है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये एक चांद का निशान दिखाई देगा, तो आप इस पे मारोगे तो आपका स्क्रीन है जो ब्लैक हो जाएगा। इससे आपको ये बहुत ही इंटरेस्टदार और लगने लगेगा, थोड़ा सा इसमें जबरदस्त कलर हो जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो वापस इस चांद के निशान पर मारोगे तो आपको वापस वही मोड आपको दिखाई देगा, तो ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कि न्यू ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आप न्यू ग्रुप बनाने के लिए आपको यहां पर बंदों को ऐड करना होगा। जैसे ही आप बंदों को ऐड करेंगे तो यहां पर 20,000 मेंबर आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला सेटिंग ये हो गया हमारा। तो दूसरा है कॉन्टेक्ट। तो आप इन्वाइट कॉन्टेक्ट करते हो या फाइंड पीपल नेवरी करते हो तो यहां पर आपको इन्वाइट कॉन्टेक्ट में आपको यहां पर फर्स्ट नेम लिखना होता है, फिर उनका लास्ट नेम लिखना होता है, फिर यहां पर आपको कंट्री सिलेक्ट करने देनी होती है, यहां पर फिर आपको नंबर लिख देना है, जो भी आपके फ्रेंड का नंबर है यहां से लिख देना है, फिर आपको यहां पर गुड वाला इंसान दिखाई दे रहा है, यहां पर करोगे तो आपको यहां पर जो नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो तीसरी सेटिंग की तरफ चलते हैं, कॉल्स। ये कॉल सेटिंग है। अभी मैं नेट को ऑन कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, तो नेट को ऑन करना ही पड़ेगा। यहां पर आप नंबर है तो अपने ग्रुप में यहां पर किसी बंदे को अगर प्राइवेट में अगर आपको कॉल करना है तो यहां पर ज्वाइन कर लोगे तो यहां पर इसके पास कॉल हो जाएगी। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो यहां पर सेंड मैसेज, सेव्ड मैसेज, यानी आप कोई भी मैसेज यानी सेव करना चाहते हैं तो यहां पर आप मैसेज भेज के आप यहां पर सेव कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी सेटिंग के पास। तो सेटिंग से पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर इनवाइट फ्रेंड का एक ऑप्शन है। अगर आप टेलीग्राम किसी को इन्वाइट करते हो, शेयर करते हो या आप किसी को भी शेयर करना चाहते हो तो यहां से शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम फीचर्स के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है तो यहां से आपको मारोगे, यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर टेलीग्राम का ही एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें 8.7 मिलियन सब्सक्राइब है। आप इसमें जुड़ के आप और भी टेलीग्राम के फ्यूचर के बारे में आप अलग से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम सेटिंग के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है हमारी जो कि हम बेसिकली इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये हमारी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है। तो यहां पर आप करोगे तो आप यहां पर फोटो भी चेंज कर सकते हो। यहां पर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आपका मोबाइल नंबर भी यहां पर चेंज हो जाएगा। साथ में आपका यूजर आईडी है वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैंने ये डाल रखा है। आप बायो में सब कुछ लिख सकते हो, कुछ भी आप 53 वर्ड्स के कुछ भी यहां पर बायो में डाल सकते हो, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट सेटिंग वो आ जाती है कि आपके मैसेज स्क्रीन पर आते हैं तो जल्दी जल्दी टिक 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 करने लग जाते हैं और आप इसे परेशान हो जाते हो, भाई यार बहुत ही परेशान कर रहे हैं हमको। तो यहां पर नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। यहां पर प्राइवेट चैट है तो इसको आप ओपन करोगे तो यहां पर प्राइवेट चैट है। जिस किसी फ्रेंड के पास आप प्राइवेट चैट करना चाहते हो तो वो आपको लॉक रखनी होगी, क्योंकि अगर ऑन कर दोगे तो प्राइवेट चैट है आपकी या आप किसी के साथ प्राइवेट चैट करना चाहते हो वो ऑन होगी तो आपको ये सभी के सामने शो हो जाएगी। अगर इसको आप बंद कर दोगे तो ये शो नहीं होगी। अगर आप ग्रुप के अंदर मान लो किसी को मैसेज भेजने की अनुमति दे रहे हो तो ये ऑन करना होगा, तभी आप ग्रुप के अंदर कोई भी आपके मैसेज भेज सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपने ग्रुप बनाया है उसके अंदर कोई मैसेज नहीं भेज पाए तो ये आपको ऑफ ही रखना होगा। यहाँ पर अगर आप चैनल बनाते हो तो यही तरीका है, ग्रुप वाला ही तरीका इसके अंदर है, क्योंकि आपको इसको ऑफ ही रखना होगा। अब हम कॉल्स के ऊपर आ जाते हैं। अगली सेटिंग ये है दोस्तों, अब हम कॉल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर वाइब्रेट किया हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग आपको जो भी यहाँ पर ओनली साइलेंट रखना है तो ओनली आप साइलेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं वाइब्रेट डिफिकल्ट भी कर सकता हूँ। आपको रिंगटोन चाहिए तो आपको यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन और साउंड का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो भी यहाँ पर रिंगटोन यानी कोई भी आपको टेलीग्राम पर कॉल करता है तो आप यहाँ पर रिंगटोन जरूर लगा सकते हो, आपका रिंगटोन जरूर बजेगा। जैसे फोन की घंटी आप बजती है वैसे ही रिंगटोन बजेगा। तो बैक
काउंटर में आपको 100 बिट की आइकन मिलेंगे। इसके अंदर आपको अगर मान लो आपकी स्क्रीन ऑफ है तो भी आपके पास जो कंपनी की तरफ से मैसेज आते हैं वैसे ही मैसेज अगर आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको मैसेज आते रहेंगे स्क्रीन पर, फालतू के मैसेज आपको आते रहेंगे। इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। टेलीग्राम आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा कि ये आया ये है, मगर आपको इसको बंद कर लेना है ताकि आपके पास कोई भी आइकन है वो शो नहीं हो पाएगा। यहां पर आप चैट को है वो म्यूट भी कर सकते हो, जिस भी फ्रेंड की आपको चैट म्यूट करना है आप यहां से म्यूट कर सकते हो, तो इसको आप ऑफ कर लेना ताकि आपकी चैट है वो म्यूट ही रहेगी। अनरेड मैसेज यानी जो भी आपका फ्रेंड या आप किसी को मैसेज भेजते हो तो यहां पर दो ब्लू टिक से आते हैं अनरेड, यानी आपके फ्रेंड ने ये मैसेज देख लिया है, जिसके ऊपर दो ग्रीन निशान आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे फ्रेंड ने ये मैसेज देख लिया है। अगर आपको इसको बंद रखना है तो बंद रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको इसको चालू रखना है तो चालू रख सकते हो, क्योंकि आपका फ्रेंड जब भी मैसेज देखेगा तो आपके पास दो ब्लू टिक आ जाएंगे, तो ये वो सेटिंग है, ठीक है। और इसके अंदर कोई काम की सेटिंग नहीं है। अगर आपका ये देख लो इन चैट साउंड, अगर ये करोगे तो आपको यानी जो भी आप चैट करोगे उसका साउंड है वो आपको सुनाई देता रहेगा। अब एक ये है कॉन्टेक्ट ज्वाइन टेलीग्राम, अगर आप किसी के मोबाइल में अगर अदर के मोबाइल में ये टेलीग्राम चलाते हो तो अपने आप ये कॉन्टेक्ट है वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं इसको अभी बंद रखा हूं क्योंकि मैं किसी के दूसरे के साथ मेरे कॉन्टेक्ट है वो शेयर नहीं करना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों ये, तो ये आपको ऑफ ही रखनी है, क्योंकि ऑन कर दोगे तो आपके कॉन्टेक्ट के जो भी कॉन्टेक्ट है वो टेलीग्राम में दूसरे के टेलीग्राम में अपने आप चले जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसको आप ऑफ ही रखना। आगे दोस्तों ये बता रहा है कि पिनड मैसेज, आपको मैसेज को पिन करना है यानी आपको जो भी ग्रुप है उसको पिन करना है तो आप यहां से पिन कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहां पर अवेलेबल अनेबल है। बाकी का कुछ नहीं है, यहां पर बैकग्राउंड का कनेक्शन है तो ये आपको बैकग्राउंड कर लेना है, अगर आप करते हो तो कर लेना, अगर नहीं करना है तो मत करना, ठीक है। अब देखिए लास्ट सेटिंग आती है रीसेट ऑन नोटिफिकेशन, अगर आपका नोटिफिकेशन कोई गलत हो गया है या आप टेलीग्राम को दोबारा वैसा का वैसा करना चाहते हो तो यहां से आप रीसेट ऑन डिफिकल्ट सेटिंग कर लेना, आपके पास सभी ऑन हो जाएंगे। तो मैं अभी इनको बंद कर लेता हूं क्योंकि ये मेरे को बेसिकली नहीं चाहिए भाई, तो मैं अभी इनको बंद कर लेता हूं। आगे मैं आपको दिखा देता हूं प्राइवेसी सेटिंग होती है वो क्या होती है। तो ब्लॉक यूजर, आपने जो भी बंदों को ब्लॉक किया है वो आपको यहां पर दिखा देगा कि आपने किस किस बंदे को ब्लॉक किया है। अगर आप इनको ब्लॉक से खोलना चाहते हो तो अनब्लॉक यूजर्स कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है फोन नंबर की होती है भाई, यहां पर आपको अगर आपको फोन नंबर अपना दिखाना नहीं है तो यहां पर आप नो बॉडी कर देना, अगर आपको अपने कॉन्टेक्ट को नंबर दिखाना है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर कर देना, अगर आपको सबको यानी जो भी टेलीग्राम यूज करता है उनको दिखाना है तो एवरी बॉडी पर कर लेना, मैं तो यहां पर नो बॉडी अभी कर रहा हूं। हु कैन फाइंड बाई माई नंबर, यानी माई नंबर यानी मेरे कॉन्टेक्ट को दिखाना है या एवरी बॉडी को दिखाना है, तो मैं अभी मेरे कॉन्टेक्ट को दिखाना चाहता हूं तो यहां पर मैं अपने कॉन्टेक्ट को कर लेता हूं। एड यूजर, यहां पर आप एड यूजर करोगे तो यहां पर आपके जो फ्रेंड है वहां पर आपको दिखाई देगा कि हाँ हाँ ये फ्रेंड है मेरे जो नंबर देख सकते हैं, तो आप यहां पर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है दोस्तों लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का, जो कि लास्ट सीन आपको नोबॉडी पर रखना है, तो अगर किसी को आप लास्ट सीन दिखाना नहीं चाहते हो तो नोबॉडी पर कर लेना, अगर कॉन्टेक्ट को करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट और एवरीबॉडी पर करना चाहते हो तो सबको लास्ट सीन दिखाएगा, मगर मैं नोबॉडी पर कर लेता हूं। अगर आपको किसी किसी यूजर्स को आप दिखाना चाहते हो तो यहां से एड यूजर करोगे तो उनको आपका नंबर है वो नहीं लास्ट सीन है जो कि मैसेज का वो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो अगला सेटिंग आ जाता है प्रोफाइल फोटो का, जो कि प्रोफाइल फोटो है जिसको भी आप एवरीबॉडी करोगे तो आप सबको आपका प्रोफाइल फोटो वो दिख जाएगा, और माय कॉन्टेक्ट पर करोगे तो आपका माय कॉन्टेक्ट जो भी नंबर सेव होगा फोन में उनको दिखेगा, ठीक है। अलाउ यूजर और नेवर यूजर करोगे तो यहां पर आपको जिस जिसको दिखाना है आप यहां से नंबर एड कर सकते हो, उनको दिखा देगा, ठीक है। तो अगला आता है फॉरवर्ड मैसेज, एवरीबॉडी पर करना है, आपको किसी को मैसेज करना है फॉरवर्ड करना है तो आप एवरीबॉडी पर रख लेना, और अगर आप माई कॉन्टेक्ट पर रखते हो तो माई कॉन्टेक्ट पर, अगर आप फॉरवर्ड किसी को मैसेज नहीं करना चाहते हो तो नोबॉडी आप यहां से कर सकते हो, मैं अभी एवरीबॉडी पर रख रहा हूं। अगर आपको नेवर अलाउ यानी एड यूजर पर रख लेना है, अगर आपको किसी को फॉरवर्ड करना है आपके चॉइस के फ्रेंड को अगर मैसेज आपको सेंड करना है फॉरवर्ड करना है तो आप यहां पर एड यूजर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेटिंग यहां पर आ जाती है कॉल की सेटिंग, अगर आप यहां पर नो बॉडी रखोगे तो आपको कोई भी बंदा, अगर आपका कोई फ्रेंड है टेलीग्राम बंदा है जो कि आपको ग्रुप में ऐड कर लेता है और आपको कॉल करता रहता है तो वहां पर आप नो बॉडी कर लेना ताकि आपको कोई भी टेलीग्राम पर आपको कॉल नहीं कर पाएगा। एवरी बॉडी रखोगे तो आपको कोई भी बंदा कॉल कर सकता है, माई कॉन्टेक्ट पर आपके जो भी टेलीग्राम में फोन नंबर में आपके बंदे ऐड है वो आपको कर पाएंगे, ठीक है। आपको यहां पर आपके फ्रेंड्स को यहां पर ऐड कर लेना है, जो भी आपके अच्छे फ्रेंड है उनको ऐड कर लेना है, वही आपके पास कर पाएंगे, ठीक है। ग्रुप और चैनल, तो ग्रुप वाली चैनल वाली ये लिस्ट है भाई वो जो कि आपके स्क्रीन पर मैसेज आते रहते हैं, 1500 मैसेज 1000 मैसेज ऐसे आते रहते हैं, तो उसको आपको माई कॉन्टेक्ट पर ही रखना है, क्योंकि आप एवरीबॉडी पर करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा मैसेज आएंगे, स्क्रीन के ऊपर भी मैसेज आएंगे कि आपके पास इन्होंने मैसेज किया है,
तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो सिक्योरिटी ये वाला बहुत ही मेथड आपको काम में देगा, आपको बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आपको इनेबल कोड डालना है, एक आपको पासकोड होगा। जैसे ही आप पासकोड यहाँ पर डालोगे तो आपका जो भी टेलीग्राम है आपका कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप चार कोड यहाँ पर डालोगे वही आपको दोबारा लगाना होगा। तो ये आप कर सकते हो, आप इसको फिंगरप्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हो, पासकोड से यहाँ पर खुलेगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन आप करोगे तो यहाँ पर सेट आपको एक पासवर्ड देना होगा, अगर आप वो पासवर्ड लगाओगे तभी आपका ये टेलीग्राम चैनल है तो खुल पाएगा, अन्यथा ये टेलीग्राम चैनल है कोई भी खोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे कोई बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो चैट की सेटिंग मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर आपको चैट के अंदर बहुत ही बढ़िया यानी टेलीग्राम पर लोकेशन ऑन करनी है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर दिए होंगे। जब भी आपका बंदा कोई यहाँ पर करता है तो आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको चैट के ऑप्शन मिलेंगे। आप कोई भी चैट का ऑप्शन है यहाँ पर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड जो भी चैट भेजेगा वो व्हाइट कलर में आएगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको इट्स गुड मॉर्निंग टोक्यो ये आपका हो जाएगा, आपको अलग कलर दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ से साइज बड़ा छोटा करना है तो आपको यहाँ से बड़ा छोटा भी हो जाएगा। 30 पे करोगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी इसको नॉर्मल ही रख लेता हूँ। आप चेंज बैकग्राउंड करना चाहते हो तो आप इसका बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर देखिए चेंज हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी आप यहाँ से बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड आपको दिखने लगेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर है वो दबा ले। तो नेक्स्ट सेटिंग हम चल लेते हैं। यहाँ पर चांद का स्विच ऑफ नाइट मोड है, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास नाइट मोड आ जाएगा और आप यहाँ पर चैट वाला लोगो है वो भी देखिए। डू यू नाउ व्हाट दिस टाइम इट इज, ये वाला आपको चेंज होता दिखाई देगा। तो मैं ये 17 करता हूँ तो ये आपको गोलाई में दिखाई देगा। आप यहाँ से चैट का ऑप्शन भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी यहाँ से कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारी सेटिंग हो जाएगी चैट वाली ही है। तो यहाँ से ये और कुछ यहाँ पर इमोजी आप भेज सकते हो तो इसको ऑन रखना है, इन ऐप ब्राउजर को भी ऑन रखना है। स्पीक इंग्लिश सेव इन गैलरी, अगर आप कोई फोटो है वो गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है भाई। जैसे कि आपका टेलीग्राम चला है, आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं तो ऑटोमेटिकली यानी वीडियो या कोई फोटो है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन की गैलरी में चले जाते हैं, इससे आपकी फोन की मेमोरी है वो वेस्ट होती रहती है। आप उन फोटोज को चाहते नहीं है कि आप गैलरी में डाउनलोड हो, तो आप इसको ऑफ कर लेना ताकि आपके जो भी कोई फोटो है या कोई वीडियो है वो ऑटोमेटिक यानी आपके गैलरी में सेव नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इससे आपकी मेमोरी भी बचेगी। चैट फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ से करोगे देखिए अभी मेरा ये वाला फंक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो ये वाला फंक्शन है, तो आप इस चैट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो चैट फोल्डर में आपको दिखाई देगा। चैट फोल्डर में आप अनरीड और ऐड को पर्सनल को आप ऐड कर लेते हो तो मैं दोबारा यहाँ से बैक आता हूँ तो आपको देखिए चैट मैसेज में आ चैट में ये दिखेगा आपको, पर्सनल आपका जो भी चैट होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी किसी बंदे के पास आपने चैट किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और अनरीड किया हुआ है आपने जो भी यहाँ पर ये दिख जाएगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, तो आप इसको सीधे ही पड़े रहने देना है। तो आपको यहाँ से हटाना होगा तो डिलीट फोल्डर कर देना है, और यहाँ पर अनसेट को करना है तो डिलीट फोल्डर ही यहाँ पर कर देना है। ठीक है, क्रिएट आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर आप बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी कुछ भी नहीं है। आपको डिवाइस अगर इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में पड़े रहने देना है, अगर डिवाइस में अगर अदर डिवाइस में आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको लैपटॉप में चलाना चाहते हो तो कंप्यूटर में चलाना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक डिवाइस करोगे तो यहाँ पर आपका QR कोड है वो स्कैन कर लेना और आपका हो जाएगा। अदर सेटिंग में ये आता है कि आपका जो टेलीग्राम है किस किस फोन में चला हुआ है, तो मेरा अभी रियलमी में चला हुआ है, पहले मेरा इन्फिनिक्स हॉट में चला हुआ था तो वो आपको डिटेल में दिखा देगा कि एंड्रॉइड में ऑनलाइन कब कब आए थे। ये मेरा इन्फिनिक्स हॉट 11S है, ये चला था इंडिया 1 दिसंबर को यहाँ पर चला था, तो मैं इसको अभी बंद ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको बताना, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि आपको मैं हर चीज के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बता देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको और भी लाता रहूंगा अपडेट्स के बारे में। आप बताना कमेंट में भी आपको नेक्स्ट अपडेट किसके बारे में चाहिए तो वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।